अब हम लोग समझेंगे इंसर्ट टैब। तो ये हमारे पास डेटा है, अब देखिए इस डेटा पर बॉर्डर नहीं बना है, तो आप चाहे तो बॉर्डर बना सकते हैं, इतना जितना भी डेटा सेलेक्ट करेंगे। अच्छा मान लीजिए कि आपको पूरा ये सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए होता है, लेकिन कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा सीट ही सेलेक्ट हो जाएगा, देख रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं ना खाली डेटा सेलेक्ट हो, डेटा ही केवल सेलेक्ट हो, तो डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल ए कर दीजिएगा तो खाली डेटा सेलेक्ट होगा। देखिए केवल डेटा ही आपका सेलेक्ट हुआ है, देख रहे हैं। तो देखिए नीचे तक खाली डेटा ही सेलेक्ट हुआ है आपका। तो अभी क्या करना है, अभी इस पे बॉर्डर लगाना है, तो अल्ट एच बी ए प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप यहां पर होम टैब में जाइएगा और यहां पर ऑल बॉर्डर आएगा, ऑल बॉर्डर इस पे क्लिक कर दीजिएगा सेलेक्ट करके, तो पूरे पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब समस्या हमारे साथ क्या है, समस्या बड़ी अद्भुत है। हम ये चाहते हैं ना कि जैसे ही हम रोल नंबर सेलेक्ट करें सारा डेटा अपने आप आ जाए, यानी कि रोल नंबर 1 अगर सेलेक्ट किया तो रोल नंबर के बेस पे पूरा डेटा आ जाए, या कुछ इस तरीके का हम काम चाहते हैं। तो ये कैसे होगा, एक तो तरीका है कि आप फॉर्मूला या फंक्शन का इस्तेमाल करिए, दूसरा तरीका आपके एक्सेल में ही दिया है, कहां दिया है, यहां दिया है इंसर्ट टैब पर। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब पे जाना है, और इंसर्ट टैब पे जैसे ही जाते हैं तो ये वो ऑप्शन है जिसका नाम है क्या, पिवोट टेबल। क्या नाम है, इस पे ये एरो पे क्लिक करिएगा और ये लिखा हुआ है फ्रॉम टेबल रेंज, फ्रॉम टेबल रेंज, तो आपको फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करना है। जैसे टेबल रेंज पे क्लिक करेंगे ना, तो बीच में कहीं पर भी इस डेटा पर क्लिक रखेंगे तो ये पूरा डेटा अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है न्यू वर्कशीट और दूसरा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग का मतलब हो वहां पर आप इस डेटा को लेके आना चाहते हैं या फिर कहीं और लेके आना चाहते हैं, तो न्यू वर्कशीट माने होता है नया वर्कशीट, इसी पे बनाएंगे तो दिखेगा नहीं, छोटा ही है, फिर हमको ऐसे स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, तो हम नई वर्कशीट ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, नई वर्कशीट लेंगे और यहां से ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, ओके पर क्लिक किया जाए। तो चलिए ओके पे क्लिक करते हैं, देखते क्या होता है। जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो ये देखिए ये इस तरीके से आ गया, नई वर्कशीट पे आ गए हैं। और यहां पर जो आपको टाइटल दिख रहा था, जैसे रोल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स है, सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 है, टोटल मार्क्स है, एवरेज है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, परसेंटेज है, ग्रेड है, ये सारी चीजें आपको यहां पर दिख रही है, दिख रही है ना। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए आपको रोल नंबर के बेस पे डेटा चाहिए होगा, तो आप क्या करेंगे, आप इस रोल नंबर को पकड़ेंगे ऐसे और इसको फिल्टर में लाके डाल देंगे, ये देखिए ये फिल्टर में यहां पे छोड़ दिया। अब इससे क्या हुआ, यहां पर देखेंगे ना, तो यहां पर जाएंगे तो सारा रोल नंबर आपको यहां पे दिखाई देगा, देख रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, अब मैं बताता हूं क्या मतलब है। अब आपको क्या करना है, ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, इसको उठाइए और इसको आप रो में डाल दीजिए, रो में डाल दिया, देख सकते हैं ना। अब सबका नाम आपने दिया है, राम, श्याम, बाबी, दादी, पता नहीं क्या क्या दिया है। तो अगर मान लीजिए आपको पता करना है कि रोल नंबर 5 किसका है, तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहां पर जाएंगे और यहां पर जाकर के 5 को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, अब ओके कर दीजिए। तो देखिए रोल नंबर 5 किसका है, जावेद का है, देखिए लिखा हुआ आ रहा है ना। अगर मान लीजिए, अच्छा चेक भी करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करते हैं कि है कि नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है, तो यहां पे शीट नंबर 3 पे चलते हैं। रोल नंबर 5 की बात थी, देखिए रोल नंबर 5 का नाम क्या आ रहा है यहाँ पे, देखिए मैं थोड़ा सा जूम भी करता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो, रोल नंबर 5 किसका है, देखिए जावेद, जावेद का है। और यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है रोल नंबर 5 में, ग्रैंड, ये देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है, जावेद, जावेद दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा इसको भी जूम कर लेते हैं, देखिए अब दिखाई देगा जावेद दिखाई दे रहा है। अब यहां पर जाते हैं और चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे गए और यहां पर मान लीजिए कि हमको 5 का नहीं देखना था, रोल नंबर 25 का देखना था, आपने 25 पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहां से ओके कर दिया, ओके किया तो यहां पे क्या हुआ, 25 रोल नंबर किसका है, इनका नाम है गा। अब गा आपने नाम दे दिया है जल्दी जल्दी डेटा एंटर करवाने के चक्कर में, तो क्या इनका नाम गा ही है, ये भी देखना पड़ेगा। तो देखते हैं एक बार, यहां पर आते हैं और 25 है ना, तो यहां रोल नंबर में आना है 25 पे, जरा देखिए यहां पर स्क्रॉल कर रहा हूं, रोल नंबर 25 कहां है, यही है। और इनका नाम क्या है, देखिए क्या है नाम, है ना। तो इससे ये फायदा होगा कि डेटा का एनालिटिक बड़ा आसान हो जाएगा, समझ रहे बात को। अब यहां पे फिर चेंज करेंगे, फिर चेंज हो जाएगा, ये मान लीजिए रोल नंबर 8 का देखना था, ओके कर दीजिए, रोल नंबर 8 का नाम रितेश है, फिर चेक करते हैं इसको क्रॉस चेक कि सही है कि नहीं है, तो रोल नंबर 8 पे चलना पड़ेगा ना हमको, तो चलते हैं। तो ये देखिए ये है रोल नंबर 8, नाम क्या है, है ना।
तो डेटा का एनालिटिक इससे बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए अब यहां तक तो आ चुके हैं हम, यहां पे नेम हम ले चुके हैं। मान लीजिए कि हम हमको रितेश का टोटल मार्क्स देखना है, तो आप टोटल मार्क्स को उठाइए और इस बार क्या करिए, इसी रो के कॉलम में लाके रख दीजिए। ठीक है, तो रितेश का टोटल मार्क्स क्या है, 340 है ना। अब मान लीजिए कि रितेश का नहीं देखना था, टोटल मार्क्स किसका देखना था, रोल नंबर 3 वाले का। तो रोल नंबर 3 सेलेक्ट ही कर लेने से न सिर्फ हमें यह बताएगा कि रोल नंबर 3 वाले के बच्चे का नाम क्या है, और यह भी बताएगा कि उसका टोटल मार्क्स क्या है। देखिए यहां पर ओके करें, कर दें ओके। तो देखिए रोल नंबर 3 वाले बच्चे का नाम क्या है, रितेश, और इनका टोटल मार्क्स कितना आया है, 24 आया है ना। तो बहुत सारा डेटा अगर होगा तो उसमें से एनालिटिक करना हमारे लिए पिवोट टेबल की मदद से आसान हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, इसको भी क्रॉस चेक किया जाए। शीट नंबर 3 पे चलते हैं, रोल नंबर कितना था, 3 था। ऊपर चलते हैं देखते हैं रोल नंबर 3 किसका है, रितेश का है, और इनका टोटल मार्क्स क्या आया हुआ है, 224 है कि नहीं देख लीजिए, है ना। अब फिर मान लीजिए चेंज हो जाए तो ऑटोमेटिक सारी चीजें चेंज हो जाएंगी इसमें। जैसे मान लीजिए कि ये 3 है, मान लीजिए 3 के बजाय हो जाए 22 हो जाए, तो सारा डेटा अपने आप बदल जाएगा। 22 किसका है, Z नाम दिया है, क्या नाम दिया है आपने इनको, 22। आइए देखते हैं क्या नाम दिया है 22 वाले को। हाँ देखिए आपने Z नाम दिया है, ये है 22 वाला डेटा, इसको एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट करते हैं, ये वाला कलर, ठीक है। और इनको नाम दिया है Z, और इनका जो टोटल आया है वो 290 नंबर है। तो क्या हमारे में भी 290 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो डेटा का एनालिटिक कितना आसान हो जाएगा आपका, बहुत ज्यादा अमाउंट में 2000-3000 डेटा हो तो उसमें से अगर आपको खींच करके निकालना हो तो कितने आसानी से निकाल सकते हैं। पिवोट टेबल है कि नहीं हेल्पफुल, है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको एवरेज भी देखना हो तो एवरेज को भी उठाइए और ये रो में लाके डाल दीजिए। तो यहां ऊपर टोटल दिखा रहा है और ये क्या है आपका, एवरेज है। जैसे ही माउस का कर्सर इस पर लेके जाएंगे तो यहां क्या दिखा रहा है, ये लिखा हुआ भी आ रहा है यहां पर, देखिए यहां पे नीचे लिखा भी हुआ है एवरेज, लिखा है ना, और टोटल भी दिखा रहा है, एवरेज भी दिखा रहा है, दोनों दिखा रहा है। अब आप रोल नंबर चेंज करते जाइए, टोटल और एवरेज देखते जाइए। रोल नंबर 2 का देखना है, 2 पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है, तो उसका आ जाएगा, जिस पे क्लिक करेंगे उसका आता चला जाएगा, है ना। मान लीजिए कि इनका परसेंटेज भी देखना है और आप परसेंटेज को कॉलम में ले जाएंगे तो क्या फायदा होगा, जैसे ये कॉलम दिया हुआ है तो कॉलम में ले जाएंगे तो यहां कॉलम में ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अच्छा होगा कि रो में ही ले जाइए, ठीक है, रो में ही लेके चलते हैं। तो परसेंटेज को वापस लेके आते हैं रो में, तो देखिए ऊपर सबसे क्या आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा रोल नंबर 2 वाले का क्या क्या चीज हम देख रहे हैं, एवरेज देख रहे हैं और परसेंटेज देख रहे हैं और नेम भी देख रहे हैं। तो नेम सबसे ऊपर है, ठीक है, इसके नीचे क्या है, ये है आपका परसेंटेज और ये क्या है, टोटल है, और ये क्या है, एवरेज है, सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। तो पिवोट टेबल काफी हेल्पफुल है। और अगर मान लीजिए कि इनका सारा ही डेटा आपको चाहिए हो तो आप इस पे क्लिक करके, मतलब पूरे सारे स्टूडेंट्स का चाहिए हो तो आप सेलेक्ट ऑल पे टिक कर दीजिए, ठीक है। और मतलब मान लीजिए कि 4 लोगों का, 5 लोगों का देखना हो तो मान लीजिए रोल नंबर 1 का देखना है, 2 का देखना है और 7 का देखना है, तो तीनों पर टिक कर दिया, ओके कर दिया, तो रोल नंबर 1 का पहले आ रहा है, फिर 2 का आ रहा है, फिर 7 का आ रहा है, और सब कुछ आ रहा है। देखिए यहां पर ये क्या आ रहा है, ये है आपका परसेंटेज, ये क्या है, ये है आपका टोटल, और ये है क्या, ये है आपका एवरेज, और किसका किसका आ रहा है उसका नाम भी लिखा हुआ है। जैसे ये अमित का है, ये किसका है, श्याम का है, ये किसका है, राम का है, ठीक है ना। तो जिस सीक्वेंस में आप देंगे उसी सीक्वेंस में ये आता चला जाएगा, ठीक है ना, समझ में आई बात।